मैं आज आपको लेके चलूँ इधर जूडियो में। तो चलिए चल के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नया है। तो सबने बहुत वीडियोस बनाई है। तो सबसे पहले गए हम अपने शूज़ कलेक्शन में, सैंडल कलेक्शन में, जो हमको बहुत अच्छा लगता है। और गाइज हमने देखे शूज़ जो कि 299 के थे। ये स्लीपर्स है प्लास्टिक की। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया वाइट कलर का शूज़ जो कि 299 का था, बट मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसे ले लिया। सो गाइज हम आगे चले मेकअप डिपार्टमेंट में, और ये है नेल पेंट। तो यहाँ पे कुछ लिप ग्लॉस, लिपस्टिक सब रखी हुई है। लिपस्टिक और लिप ग्लॉस एंड ग्लिटर जो भी होता है ये सब यहाँ पे अलग अलग कलर के रखे हुए थे। सो गाइज मैंने भी इसमें से एक लिया जो कि 199 का पड़ा मुझे, पर ये अच्छा था, पिंक कलर का था डार्क, तो मैंने वो ले लिया है। अब लिपस्टिक लिप ग्लॉस से थोड़ा आगे चलते हैं नेल पेंट की साइड। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे कलर रखे हुए हैं जो कि कुल 79 के हैं, चाहे वो ग्लिटर में हो चाहे वो मैट में हो। तो मैंने ये पिंक कलर की नेल पेंट चेक करी क्योंकि मेरी बेटी की फेवरेट है। तो मैंने दीपी की पिंक लगाने के बाद मैंने इसके हाथ में फिर दूसरी ब्राउन लगाई। मैंने हर कलर का सेट ट्राई किया। इसके बाद लगाते लगाते मिस्टी ने देख लिया कि हम लगा रहे, तो मिस्टी फटाफट से अपनी फिंगर लेके आ गई। और तो हमने लिपस्टिक के सारे कलेक्शन चेक किए, लगाए, हमें बहुत अच्छे लगे। सो गाइज मैंने लिया, एक ग्लिटर में लिया और एक पिंक कलर का जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने लिया। और इसके बाद मैंने देखा मल्टी कलर का क्लच जो कि 199 का था, बट मुझे ज़्यादा सही लगा नहीं तो मैंने इसे नहीं लिया। इसके बाद पहुँचे हम लिप बाम पे। लिप बाम के संग लिप स्क्रब, लिपस्टिक सब तीनों 199 का था, तो मैंने इसे ले लिया, मुझे ठीक ठाक लगा तो मैंने इसे ले लिया। और आगे पहुँचे हम नेल पेंट पे। वहाँ दिप्पी भी पहुँच चुकी थी नेल पेंट देखने के लिए, पर ये बहुत नेल पेंट बहुत कॉस्टली होती, 199 की चार थी, बट ये इसका साइज़ बहुत छोटा था तो हमने ये लिया नहीं। और हम पहुँचे आगे। सो गाइज इसके बाद देखा हमने एक चिट जो कि अपग्रेड पिंपल्स में या दाग पे लगाओ और इसके ऊपर मेकअप करो तो ये हमारा दाग और निशान वगैरह दिखता नहीं है। तो ये 49 का था, इसके अलग अलग शेप थे, बट हमने ये लिए नहीं क्योंकि हमने सोचा क्या करना है इनका लेके, हम तो लगाते हैं। हम अपना कलेक्शन देखने के बाद पहुँचे हम किड सेक्शन में, और मेरे साथ था प्यारा सा किड्स। ये देख रही थी मैं मिस्टी के लिए शॉर्ट्स जो कि यूनिकॉर्न वाले थे, कुछ लाइनिंग प्रिंट्स में थे। सो गाइज ये 199 के थे, अच्छे थे, तो इस वजह से दो दो मैंने पिक कर लिए। हम लोग अलग अलग जगह से शॉपिंग कर रहे थे, दीप्य और सानू अलग जगह से शॉपिंग करके लाए थे। फिर हमने देखा मिस्टी के लिए कुछ ड्रेस जो कि बहुत अच्छी अच्छी थी, बट इनका रेंज कुछ ज़्यादा ही हाई था। सो हम देख रहे थे ड्रेस और ध्रुविज देख रहा था सिर्फ कैमरे में। सो गाइज ये एक येलो कलर का टॉप था जो कि 699 का था, जो कि बहुत कॉस्टली था तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैंने और ड्रेसेस देखी, सब इतनी कॉस्टली थी। फिर मिस्टी अपने लिए एक टॉप उठा के लाई जिसका प्राइस था 499। तो मैंने मिस्टी को समझाया, मिस्टी बेटा बहुत कॉस्टली है, पर मिस्टी जिद करने लगी। पर मैंने मिस्टी को समझाया, मिस्टी बेटा बहुत कॉस्टली है, इसमें तो हम आपकी पूरी एक ड्रेस ले सकते हैं। तो मिस्टी मान गई और मिस्टी ने वहीं जाके अपनी ड्रेस वापस रख दी। फिर हम चले बॉयज सेक्शन में। फिर हमने ली एक मनीष के लिए टी शर्ट जो कि नेट वाली टी शर्ट थी। सो गाइज ये टी शर्ट ठीक थी, गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छी थी। और हमने इसे देखा तो इसका प्राइस भी ठीक था 499। तो मनीष को ये पसंद आई और हमने ये ली। और फिर पहुँचे हम अपने चिंटू यानी कि ध्रुविस के लिए कपड़े लेने, और ये टी शर्ट बड़ी प्यारी लग रही थी। और मिस्टी इसके संग खेल रही थी, बार बार इसके पैर में गुदगुदी कर रही थी, और चिंटू बहुत खुश हो रहा था, उसको मज़ा आ रहा था। उसकी मम्मी टी शर्ट ले रही थी, बट उसका ध्यान तो मिस्टी की गुदगुदी करने में लगा था। सो गाइज ये टी शर्ट फिर हमने देखी, तो फिर इनका प्राइस बहुत ज़्यादा था जूडियो में, बच्चों का प्राइस तो कुछ ज़्यादा ही रखा हुआ है इन्होंने। तो हमने बच्चों के लिए एक दो टी शर्ट लिए, एक दो निकर्स लिए, मिस्टी के लिए बस इतना ही लिया। इसके बाद